अवेयरनेस की कमी है। सरकार की ओर से जो भी पहल होनी चाहिए वो शहर तक सिमट जाती है। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अगर ऐसी समझ और मन के अंदर ललक हो जाए तो अर्थ का अभाव ही केवल कारण नहीं है, उस अवेयरनेस के कारण ऐसे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो एक दिखाने की आवश्यकता पड़ती है कि प्रतिभा है, उसको धोना मांजना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना, वाणी मीठी बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और आजान होती है। अगर इसी मिठास को आपने खो दिया तो इंसान होने का हक खो दिया। क्योंकि सकल मोह ममता को तजकर माता जिसको प्यारी है, ये ट्रेडिशनल एसोसिएशन लाठी का सबको यही सिखाता है कि अपने देश की मिट्टी से प्यार करना है। तो इस खेल के माध्यम से हम अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को जीवंत कर सकते हैं। और रही कठिनाइयों की बात, तो आसमान में भी सुराख होता है। वो अमित के जैसा कोई दूसरा नाम होना चाहिए, उनके माता पिता के दिल में भी अरमान होना चाहिए। तो कोई ना कोई तो स्पॉन्सर के रूप में कप्तान उसको मिल ही जाता है और वह व्यक्ति पंख लगाकर और परवान चढ़ ही जाता है। तो मुझको लगता है कि स्वयं से काम करने की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी कुछ भी नहीं है, सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो ग्रामीण प्रतिभा है ना, इसको निखारने की जरूरत है। इसमें, इस मिट्टी में ना बहुत खुशबू है, जो शहर के मिट्टी में खुशबू नहीं है। लेकिन होता क्या है कि शहर का जो मिट्टी है वो नज़दीक में मिल जाता है, उसको उठा के लोग लेके चला जाता है कि सबसे अच्छा है। लेकिन जब देहात का मिट्टी जब उठता है ना, जब जाता है, उसमें शहर का मिट्टी फीका हो जाता है। सरकार से हमारी एक मांग है कि ग्रामीण प्रतिभा में जो खिलाड़ी है, जो खेलते हैं, जितने भी खेल, उसका ब्लॉक स्तर पर एक संगठन होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट के तहत, खेलकूद डिपार्टमेंट के तहत उसको स्पॉन्सर होना चाहिए उसके। पप्पू जी, एक चीज़ जो खास करके देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये खिलाड़ी ही नहीं, मतलब जिस सेक्टर को आप उठाएंगे वहाँ खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कलाकार होते हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है मौका नहीं मिलता है। और यही कारण है कि वो अपने प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। उसके लिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, उनको क्या पहल करनी चाहिए? उनको भी पहल करने, स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी पहल करनी चाहिए कि अपनी बात को उठा के आगे रखनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जो हमारे समाज में जो खेल है कूद, अब सरकार भी उस चीज़ के लिए ग्रामीण खेल को बढ़ावा दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ावा दे रही है, उसको लोगों में जागरूकता पैदा करना। लोग जैसे आजकल कबड्डी गांव घर का खेल है, देखते हैं कबड्डी के लिए IPL हो रहा है, उसमें खिलाड़ी का चयन हो रहा है, उसमें भी लोग नौकरी कर रहे हैं। कहीं ऐसा कोई गेम नहीं है, जैसे हैंडबॉल, हम लोग लगता है कि हैंडबॉल भाई साहब के आने के बाद माने उसको प्रचलित सुने, ऐसे नाम सुनते थे। और उस हैंडबॉल में इनके द्वारा नेशनल कई खिलाड़ी खेल के आया, जागरूक हुआ ना, समाज को जागरूक करना हम लोगों का काम है। और खास करके जो जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व भी है, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो इस तरह से खेलकूद में या नाट्य कार्यक्रम में जो सहभागिता लेते हैं, उसको समय समय पर प्रदर्शन कराना, उसमें चयन करना, चयन करके उसको आगे बढ़ाना, उसको पुरस्कार देना, उसका मनोबल बढ़ाना, यही हम लोगों का दायित्व है। अवेयरनेस की कमी है, सरकार की ओर से भी जो पहल होनी चाहिए वो शहरों तक सिमट जाती है। लेकिन अभी जिस प्रकार से हम इस मिल्की गांव में आकर और इस ग्रामीण प्रतिभा को आगे बढ़ाने के दृष्टि से यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, अगर ऐसी समझ और मन के अंदर ललक हो जाए तो अर्थ का अभाव ही केवल कारण नहीं है, उस अवेयरनेस के कारण ऐसे हमारे पप्पू जी हैं, प्रमुख जी हैं, उप प्रमुख जी हैं, मुखिया जी हैं, ऐसे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो एक दिखाने की आवश्यकता पड़ती है कि प्रतिभा है, उसका जो है उसको धोना मांजना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि वाणी मीठी बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। अगर इसी मिठास को आपने खो दिया तो इंसान होने का हक हम खो देते हैं। क्योंकि सकल मोह ममता को तजकर माता जिसको प्यारी है, ये ट्रेडिशनल
एसोसिएशन लाठी का सबको यही सिखाता है कि अपनी देश की मिट्टी से प्यार करना है। सरकार के सामने जो कमियां है सब उसको रखेंगे और हम लोग अपने स्तर से भी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। जहां जिनको भी ग्रामीण प्रतिभा भवनों की कमी नहीं है, उनको एक सच्चे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उसमें हम लोग हर संभव मदद करेंगे। सरकार के सामने भी इस सब जो दिक्कतें सामने आ रही है उसको रखेंगे।